के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को लेकर एक गंभीर मामला सामने आ रहा है। एक महिला फैन ने पृथ्वी शॉ पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यह सारा वाक्या मुंबई के सेंटा क्रूज में एक 5-स्टार होटल से सामने आया है, जबकि पृथ्वी शॉ की तरफ से कहा गया है कि उन पर और उनके दोस्तों पर कुछ लोगों ने बेसबॉल के डंडों से हमला किया है, जबकि एक वीडियो में पृथ्वी शॉ खुद डंडा लिए हुए दिख रहे हैं और उनकी लड़की से हाथापाई भी हो रही है। पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार बेसबॉल के डंडों से हमला किया गया। फिर आरोपियों ने कार का पीछा किया और पैसे नहीं देने पर झूठा केस करने की धमकी दी। सुरेंद्र ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल ये पूरा मामला बुधवार का है, जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ एक 5-स्टार होटल में डिनर करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान ये सारा विवाद सामने आया। शिकायत के मुताबिक डिनर के दौरान अज्ञात आरोपी पृथ्वी शॉ के पास आया और सेल्फी लेने की मांग करने लगा। शॉ ने 2 लोगों के साथ सेल्फी ली भी, लेकिन वही ग्रुप लौट आया और अन्य नामजद आरोपियों के साथ सेल्फी लेने को कहने लगा। पृथ्वी शॉ ने इस बार यह कहते हुए मना कर दिया कि वह दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जाए। मैनेजर ने उन लोगों को होटल से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद सभी बाहर पृथ्वी शॉ का इंतजार करने लगे। बाहर निकलने पर उन लोगों ने बेसबॉल के डंडे से दोस्त की कार का शीशा तोड़ दिया। शिकायत में कहा गया है कि पृथ्वी शॉ कार में ही थे और हम कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पृथ्वी शॉ को दूसरी कार से भेज दिया। शॉ के दोस्त की कार को जोगेश्वरी के लोटस पेट्रोल पंप के पास रोक दिया गया, जहां एक महिला ने आकर कहा कि अगर इस मामले को सुलझाना है तो उसे 50,000 रुपए देने होंगे, नहीं तो वह झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसा देगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।